Welcome to Time News Studios. You are watching 12 AM Bulletin. मुझे मार रहे हैं आप पता कर ले मेरी बहन को बदतमीजी की है हमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है भूला मलीर में नून लीग अखबार निहाल हाशमी के पुटन पुलिस एहलकारन विच में झेड़ो हथे पेजी व्या एहलकारन जो वर्दियों फाटी पयू पुलिस जो मौकुफ है तो निहाल हाशमी के घर भातन जो बी दुर से झेड़ो हलंदड़ हो एहलकारन झेड़ो टारण की कोशिश कई तो निहाल हाशमी के पुटन खेन तशद जो निशान बनाया वफाकी सरकार अगूणे वजीर आज़म नवाज़ शरीफ के ढे वापस आने लाए हर सतह से राबता कर बरतानिया के लागापे इदारन के दस्तावेज फराहम करण जो फैसलो कर वरतो वजीर आज़म इमरान खान चाहे तो नवाज़ शरीफ के पोयां भारत यू मुल्क दुश्मन ताकतू हैं कौम के नवाज़ शरीफ जो असल चेहरो ॾेखारणो पवंदो पूरी कौम मुतहद थी भारतीय साजिश नाकाम बढ़ाई बरतानवी सरकार पारा नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी वारंट की तामीन करण का इनकार बरतानवी अख्तियारों का चवण है तो वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत न कंदा वारंट की तामीर करण न संदन कम है नई मैंडेट है मुल्क में कोरोना वायरस बीहर कर खण लगो गुजर 24 कलाक दौरान कोरोना वबा वधी के 15 हयात गिरकाए छो कोरोना जा केस वधन सबब कराची के कुछ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लागू कराची में 130 की भनकड़ी था बिन दिन दौरान 118 रेस्टोरेंट्स 7 शादी हॉल्स 4 स्कूल सील एमसीओसी समरन सूबन इस्लामाबाद की इंतजामिया के हिफाजती उपाव की हिदायत कर छी एमसीओसी कोरोना का बचाव लाए एसओपी की भनकड़ी के लॉकडाउन की हिदायत कदे है तो शादी हॉल्स रेस्टोरेंट्स से खसूसी तौर ध्यान दिनों वे ये बई जो कोरोना जो मरकज बणजी रही हैं वजीर आजम सिंह की बरसात मुतासर इलाकों की सार तो न लधी पर मुतासर से बधी के इजहार लाए चक्कर लगाया हा पर वजीर मुराद अली शाह तो वफाकी सरकार बरसात मुतासर लाए कुछ नथी करे घट में घट एनएफसी अवार्ड में हिस्से जहाँ पैसा दिना वन तो जी आवाम जो मसला हल करूँ खतई अपीलों बावजूद वफाकी हुकूमत बरसात मुतासर की मदद न कई परेही सफीरन से मुलाकात दौरान खबर पई तो वफाकी सरकार सिंध लाए कें भी इदारे या मुल्क का मदद न घुरी है लाड़काने में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बड़े वजीर अरणी तरमीम के करे सिंध हुकूमत कोरोना की हालतों में हिम्मत भरिया फैसला कया पीपल्स पार्टी के नफरत जहाँ इल्जाम मणींदड़ पेरी पेंे जी में जाति फाइन सिंध जहाँ बया जिला तो परे की गाल वफाकी हुकूमत कराची लाए भी कुछ ना ही कयो बरसात मुंतासर इलाकों में 70 सैकड़ों पानी निकाल के वो है अना भी दुखियाँ पेश अचन पे अवाम मुतहदा के लिए असानी फसाद पखेड़ वाली साजिश के नाकाम बनाने लाए असो साथ दे पीपल्स पार्टी कराची में 4 अक्टूबर से रैली करण जो ऐलान कर छोड़ो सूबाई वजीर सईद गनी है तो अंदरूनी सिंध में चूंजी आयल पार्टी तरफा कराची में कम न करो वजी अजम जो बयान मुतहदा के लिए असानी सियासत के हथी डेण की कोशिश है सिलेक्टेड वजीर अजम मुतहदा के नारे के अगते बधाए सिंध के मानन में नफरतू पैदा करने की कोशिश कर रो है मुतहदा तासुर डेण की कोशिश कई है तो कराची में पीपल्स पार्टी के मैंडेट न मिलल है रैली जरिए साबित कदी तो कराची जो आवाम पीपल्स पार्टी से गड है अस नफरत की सियासत खत्म करने लाए कम कर रहा है मुतहदा पाकिस्तान हैदराबाद में 4 अक्टूबर से मार्च जो ऐलान कर छो मुतहदा अगवाण आमिर खान वसीम मकसद चवण है तो पीपल्स पार्टी 12 साल का सिंध के काबिजा ही जमहूरियत के नाले से अवाम के बेवकूफ़ बनाए रही है पीपी हुकूमत हेल तई शहरी इलाकों जहाँ भी मसला हल कर में नाकाम थी वही हैदराबाद के हक दियारण लाए 4 अक्टूबर से सिटी गेट का स्टेशन रोड तई रैली करण बाद कोहिनूर चौक से धरणो हो वो मुल्क में 97,93,000 344 नवा वोट दाखिल वोटर्स जो मजमू अंग 11,58,748,753 थी वो इलेक्शन कमीशन हतमी चूं फहरिस्तन जहाँ अंग घर जारी कर छाया इलेक्शन कमीशन मूजिब 2018 की चूं दौरान वोटर्स जो अंग 10,59,00,000
55,409 हो नवा वोट दाखिल थे बाद मर्द वोटर्स जो अंग 6,40,78,616 औरत वोटर्स जो अंग 5,16,67,599 है। सिंध में वोटर्स जो अंग 2,43,51,681 है। पंजाब में 6,62,36,144 वोट्स हैं। KPK में 1,95,33,964 बलोचिस्तान में 48,01,131 वोट है। इलेक्शन कमीशन मौजूद हफ्ते टू फहरस्तू 4 अक्टूबर का जिले इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हुई। अगूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के आसासन जहाँ तफसील मंजर आम से अची व्या। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब तरफा पेश कल रिपोर्ट में नवाज़ शरीफ हुदैबिया पेपर मिल्स में 43,000 हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 शेयर्स जो मालिक करार। रिपोर्ट मूजिब निजी बैंक्स में खुलल 8 अकाउंट्स में 5 अकाउंट्स में 6,12,000 रुपया मौजूद। परडे करेंसी वाले अकाउंट्स में 576 यूरोस 698 अमेरिकी डॉलर्स 498 बरतानवी पाउंड्स मौजूद होने की दावा नैब की रिपोर्ट में चयो है। नवाज शरीफ और संदस कफालत हेठ आयल मानू जो लाहौर शेखुपुरा मरी और एबटाबाद में मिल्कियतू हैं। मिल्कियतन में मरी वो बंगलो एबटाबाद में 15 कनाल वो घर और अफरमाल लाहौर शामिल। नवाज शरीफ एक लैंड क्रूजर दो मर्सडीज गार्डन और बिन ट्रैक्टर्स जो मालिक करार। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ की मिल्कियतन या असासन के जब्त करने हुक्म दिनों हो। सखर के आबाद थाने के हद में हथियारबंदन की कार से फायरिंग। TMO एजाज शेख मारी वो। UC अयूब गेट जो सेक्रेटरी सलेमान खोसो जख्मी। मकतूल एजाज शेख टंडो गुलाम हैदर जो TMO हो। बटस तलहार के TMO की वादू चार्ज भी हुई। वाके बाद हथियारबंद फरार थी वाया। मकतूल के भा यूसुफ शेख जो चवण है तो एजाज शेख कदें भी कें धमकी वगैरह के हवाले से न बुधा हो। खबर ना तो केस कें कत्ल किया है। पुलिस जो चवण है तो वाके जो कारण मालूम ना थो। जांच शुरू कई वही है। उत्तर वजीरिस्तान के बोयावारे इलाके में दहशतगर्दी जो वो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारी वह गिरफ्तार। ISPR मूजिब दहशतगर्द भतेखोरी शहर के कत्ल फोर्स से हमलों में मुलविस। चिलार में इंतमाई लजलूट ब्लैकमेलिंग जो शिकार नारी तरफा आबघात वे केस में गिरफ्तार। जवाबदार बिन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। पुलिस जवाबदार आदम दल के मकामी अदालत में पेश कयो। अदालत तरफा जवाबदार के सूमर से बीहर पेश करण जो हुक्म। केस में नामजद ब जवाबदार पुलिस की पकड़ में न अची सकया। नारी की अमर जो चवण है तो संदस धीरे के ज्यादी जो निशानों बनाने बाद धमकियों दिनी व्यू। केस में नामजद वधीक जवाबदार गिरफ्तार कर मंतकी अंजाम से पहुंचाने जो मुतालबो। गोड़ दलन जो तर्मी नारी मूमल मेघवाड़ कुजरी अग खूह में टुपो रही आबघात कर हो। घोटकी पुलिस की खमड़ा वाले इलाके में कार्रवाई। सादिकाबाद में अगवा थे औरत संदस टे बार बाजियाब। मुबैना ऑपरेशन दौरान बिना हथियार बंदन के भी गिरफ्तार करने की दावा। पुलिस मौजूद धारियल मुखियन के कराची मुंतकिल कर रहा हुआ तो खमड़ा में पेट्रोलिंग कदर पुलिस के ऐसी बार रणियो क्यों। पुलिस कार्रवाई कर खेन बाजियाब कराए वरतो। पुलिस मौजूद औरत चवण है धारियल खेन विक्रो करने लाए कराची वी वही रहा हुआ। हैदराबाद में खीर जो महंगे अगते विक्रो जारी। मुकर्र अग का वधीक अगते खीर खपाइंदड़ डेयरी सील असिस्टेंट कमिश्नर से चवण है तो जड़ल डेयरी से 97 बदरा 110 रुपये में खीर विक्रो किया पे वो। शहर की शिकायत से कार्रवाई कई वही।
भिटशाह में सिंध के सरमोर शहर शाद लतीफ भिटाई के 277 सालियाने उर्स जो तकरीबू जारी। इंतजामिया पांधड़न के रोकने लाए दरगाह डाबी रस्ता बंद कर छिया। मुख्तलिफ़ हंधन से पुलिस अहलकार मुकर। भिटशाह की दरगाह से तमाम थोड़े तादाद में पांधड़न के पहुंचने जो सिलसिलो जारी। खेन सैनिटाइज करने दरगाह में वन की इजाज़त दिनी पी वे। आकाफ खाते के सूबाई वजीर सर अनवर सियाल दरगाह से चादर चाढ़े सरकारी तरफ़ जो इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर उर्स के तकरीबन दौरान SOP से मुकम्मल तौर अमल थी रो है। दरगाह से सफाई के अमल के बेहतर बढ़ाए वो पांधड़ा SOP तहत दरगाह से अची सकन था। ASI असगर मुगेरी से तशद न किया हो पा वर्दी फाड़े ड्रामो किया है। लाड़काणों में ASI से तशद के इल्ज़ाम हेठ आयल PP अकबर ज़ुल्फ़िकार जाखाणी भी SSP मसूद बंगश की जांच से बेतमादी जाहिर कर छी। ज़ुल्फ़िकार जाखाणी PTI MPA हलीम आदिल शेख के मामले के ब्रेक दियण जो इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे त असगर मुगेरी PTI अकबर की चुर्च से ड्रामो कर रो है। वो शराब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर जवाबदार जो पैसा पुबाए वो है। वापस घुरण से तशद जहा ड्रामा पो करें मामले की शफाफ जांच कर बदरा मुँह से केस दाखिल किया वो है। लगे तो DIG SSP लाड़काणों बधुर बनल है। PP अकबर वाकई की बीहर शफाफ जांच कराने जो मुतालबो कर इंसाफ न मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से राबो किया वो। कोरबा के ASI गुलाम नबी हाजाणू की वीडियो वायरल थे बाद SHO गुलाम कादिर शोरो मौतिल रिवर्ट ए लाइन हाजिर। SSP बदीन नोटिस वे SHO किशोर कास नोटिस भी जारी कर छो। वीडियो में ASI गुलाम नबी हाजाणू बदली न थे की सूरत में पान साड़न जो चेतावनी ने SHO कोरबा नशे में धुत थी मानून से गुड गरगान करे तो मातहत अहलकार भी संदस रवैयो सही ना होंगे।